नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री जनधन खाते के बारे में। जैसा कि आपको हर किसी को पता है कि प्रधानमंत्री जनधन खाता लगभग हर व्यक्ति ने खुलवा रखा है, खासकर महिलाओं ने। जिनको भी गवर्नमेंट स्कीम से कुछ भी बेनिफिट अपने बैंक अकाउंटों में चाहिए, वो अपना प्रधानमंत्री जनधन खाता जरूर खुलवा के रखते हैं, चाहे कोई सा भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये खाता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और कितने क्या क्यों खुलवाना चाहिए। बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है या आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वो जनधन खाता खुलवा सकते हैं। अपर लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई 100 साल का व्यक्ति भी जनधन खाता खुलवा सकता है, कम से कम 10 साल की उम्र वाले व्यक्ति खाता खुलवा सकते हैं। दूसरा, जनधन खाता खुलवाने के लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है आपका आधार कार्ड। सिर्फ आपके आधार कार्ड के बेसिस पे आपका अकाउंट खुल जाता है, आपको पैन कार्ड या किसी और कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बेस्ट इसलिए भी कहा जाता है आधार कार्ड से खुलवाना, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स के बेनिफिट हैं, कोई सब्सिडी है, DBT है, खातों की सब्सिडी है, वो सब आपके बैंक अकाउंट में आती है और वो सिर्फ आधार कार्ड से जुड़ी होती है। डॉक्यूमेंट तो जो RBI के जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी खाता खुल जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आधार कार्ड को लेके जाइए, ताकि भविष्य में कभी ये नहीं रहेगा कि मुझे मेरा खाता आधार कार्ड से लिंक कराना है, क्या कराना है, एक तरह का हेडेक से आप बच जाओगे। जनधन खाता चाहे आपने किसी भी बैंक में खुलवा रखा हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, उनका जीरो बैलेंस मेंटेन रखना होता है, मतलब उसमें किसी तरह की कोई बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर ऐसा है तो वो आपका जनधन खाता है। अगर कोई ये कहे कि इसमें बैलेंस की रिक्वायरमेंट है तो मतलब वो जनधन खाता नहीं, वो नॉर्मल खाता खोला जा रहा है। दूसरा, नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनकी तरह इस वाले खाते पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। जो भी बैंक की प्रिस्क्रिप्शन इसकी रहता है कि इंटरेस्ट कितना मिलना है, वो इंटरेस्ट आपको मिलता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में, तो अगर आपका जनधन खाता भी SBI में खुला हुआ है तो आपको वो ही 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। बेनिफिट, हर जनधन खाते में सिर्फ रुपे कार्ड ही इशू होता है। रुपे कार्ड इशू करने का कारण ये भी है कि जो रुपे जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है और उसमें गवर्नमेंट की भी कुछ हिस्सेदारी है, तो एक वो ये चाहते हैं, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि उनका जो सारा जो मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म होके रुपे कार्ड पर आए, इसलिए NCPI ने रुपे कार्ड लॉन्च किया था। रुपे कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। मान के चलिए कोई जनधन खाता है किसी का और उसने रुपे कार्ड भी इशू करा रखा है, वह उसको रेगुलर यूज़ भी करता है और किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, तो उसके जो भी परिजन रहेंगे या अकाउंट में जो भी नॉमिनी रहेगा उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। और यह मुआवजा बड़ा ही सिंपल होता है, सिर्फ कुछ ही सिंपल फॉर्मेलिटीज़ करके आपको बैंक में ब्रांच मैनेजर को देना होता है और विद इन 1 वीक का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब दूसरे जो बेनिफिट्स हैं उनकी बात करी जाए तो जनधन खाते जो हैं उन पर आपको 10,000 का ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी मिलती है। मतलब कि नॉर्मल अगर आप खाता अच्छे से चला रहे हैं, रेगुलर वे में काम कर रहे हैं, तो ब्रांच मैनेजर चाहे तो आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी सैंक्शन कर सकता है आपके उस अकाउंट पर। मैंने जैसा कहा था कि आधार कार्ड से ही लिंक करिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT भारत जो स्कीम है, जिसके अंदर जितनी भी जो स्कीम्स हैं उनके पैसा जो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, तो वो आधार कार्ड से ही लिंक होता है। इसलिए बेस्ट है कि आप अपना शुरू में ही अपना खाता सिर्फ आधार कार्ड से खुलवाएं। आधार कार्ड जनधन खाते के और फायदे ये हैं कि आप दूसरी स्कीम लेने के लिए भी पात्र हो जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका प्रीमियम 20 रुपये है और उस पर आपको 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जिसका प्रीमियम 436 रुपये और उस पर 2 लाख का आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है। अटल पेंशन योजना, और ये सारी स्कीमें बहुत कारगर स्कीम है, यानी कि करोड़ों लोग इनरोल हुए हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 28 करोड़ लोग इनरोल हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 12 करोड़, अटल पेंशन योजना में 4 करोड़। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, अगर आपने नहीं भी ले रखी है तो अब आप इनरोल करें, बहुत कम, एक तो कम, सबसे कम प्रीमियम पे और अच्छी स्कीम्स। दूसरा,
जनधन खातों में आपको चेकबुक नहीं मिलती, आपको पासबुक मिलती है, एटीएम कार्ड मिलता है। जनधन खातों में सबसे बड़ी जो लिमिट होती है कि आप एक महीने में 10,000 से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे और इमरजेंसी में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो 10,000 तक सिस्टम उससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं करने देता। एक इस लिमिट को याद रखिएगा। दस और जनधन खातों में एक साल के अंदर आप 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं कर सकते, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,00,000। जनधन खातों में जो ओवरऑल, जैसे एक साल में तो 1,00,000 की लिमिट है, लेकिन ओवरऑल हर साल 1,00,000 रुपये ऐड भी करते गए तो उसकी टोटल डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति मेहनत से ईमानदारी से कमा रहा है वो थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डिपॉजिट करता जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट है। दूसरा, आप इसको UPI से कनेक्ट कर सकते हैं, UPI से लेन देन कर सकते हैं इस खाते को बड़ी आसानी से। रुपए कार्ड आपका इशू हो ही जाता है तो आप जानती हैं जीपे फ़ोनपे ये ऐप्स तब आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने ATM कार्ड के माध्यम से आप UPI से अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तीसरा कि ये वाला जो खाता है जनधन खाता, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोलना चाहते हैं तो जनरली ब्रांच लेवल पे ये नहीं खुलता। जो भी ब्रांच से अटैच जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है वहाँ पर जाकर ये खाता खुलता है। मतलब अगर आपको जनधन खाता खुलवाना है आप ब्रांच चले जाते हैं तो वहाँ जाके उनसे ये पूछे कि इस ब्रांच से अटैच जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है वो कहाँ है। तो वो जो ई मित्र टाइप का एक सर्विस सेंटर होता है वहाँ सिर्फ आप आधार कार्ड की कॉपी लेके जाइए और विदिन 2 या 3 दिन के अंदर आपको आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा और चेकबुक और जो भी अदर, चेकबुक तो नहीं मिलेगी, पासबुक या अदर जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। जनधन प्रधानमंत्री जनधन खाता एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है भारतीय गवर्नमेंट की। दुनिया का एकमात्र एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक साथ 46 करोड़ से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खोले गए हैं। मतलब यानी कि एक दुनिया में इस तरह की कोई स्कीम नहीं चली फाइनेंशियल इंक्लूजन की कि एक साथ इतने सारे लोगों को फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जोड़ा गया हो। तो 46 करोड़ तक के लोगों के अब तक के खाते खुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।